हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और हम CGPSC ACF रेंजर एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। उन रासायनिक यौगिक में हम अब तक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, उनके बारे में जान चुके हैं और उनके बारे में पूरा जो डिटेल है वो पढ़ चुके हैं। प्रीवियस दो लेक्चर में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर नथिंग बट एक सफ़ेद चूर्ण है, यह वाइट पाउडर होता है। ये जो वाइट पाउडर है इसकी गंध या स्मेल क्लोरीन की तरह होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण क्या है? एक सफ़ेद चूर्ण है जिसकी गंध क्लोरीन की होती है। और अगर इसका रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला देखें तो ये होता है CaOCl, या इसको कह सकते हैं CaOCl2। क्या कह सकते हैं? CaOCl2, ये सब स्क्रिप्ट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या जाना, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण एक सफ़ेद चूर्ण है या वाइट पाउडर है जिसकी गंध क्लोरीन की तरह होती है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब बात करते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका मतलब जो विरंजक चूर्ण होता है उसका अनदर नेम क्या है, तो उसी को ही हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये ब्लीच करने का काम करता है। ब्लीच करना मतलब होता है रंग को रंगहीन में परिवर्तित करना या कलर को कलरलेस में चेंज करना। ठीक है, तो ये मतलब होता है ब्लीचिंग का, इसलिए इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो उत्पादन करने के लिए हमको एक विशेष संयंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं हेजन क्लेवर संयंत्र। क्या कहते हैं? जिसको हम हेजन क्लेवर संयंत्र या हेजन क्लेवर प्लांट। ठीक है, इस हेजन क्लेवर प्लांट के बारे में क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है वो मैं बता देती हूँ, और इस प्लांट में क्या क्या टूल्स या क्या क्या जो भी औजार हैं उनकी यूज़ होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग या ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन। तो ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ब्लीचिंग पाउडर का यदि आपको उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको एक संयंत्र की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम कहते हैं हेजन क्लेवर संयंत्र या हेजन क्लेवर प्लांट। ठीक है, ये जो हेजन क्लेवर प्लांट होते हैं इसमें विविध या अनेक जो है क्षैतिज सिलेंडर लगे होते हैं या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लगे होते हैं। अभी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि इसका उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, इन्हीं सिलेंडरों में ब्लेड युक्त धुरनी शाफ्ट लगी होती है या एक रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती है जिसमें ब्लेड होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करना है तो उसके लिए एक हेजन क्लेवर संयंत्र की आवश्यकता होगी। इस संयंत्र में अनेक क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लगे होंगे और सिलेंडर में ब्लेड युक्त रोटेटिंग शाफ्ट लगा होगा या धुरनी शाफ्ट लगा होगा। अब बात करते हैं कि अब सबसे मेन चीज़ अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है या विरंजक चूर्ण बनाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ या किसकी आवश्यकता होगी, तो वो होती है बुझा हुआ चूने की या स्लेक्ड लाइम की। तो अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है गाइस। बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्टली फार्मूला आ जाता है या मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है कि एक तरफ कॉलम में आपको नाम दिए होंगे रासायनिक यौगिक के और दूसरी तरह आपको उसको मैच करना होगा या उसका कूट मिलान करना होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको हर एक जो रासायनिक यौगिक है उसका नाम पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो याद रखिए, हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो बना रहे हैं उसमें उपयोग में आता है स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना। ठीक है, उसमें उपयोग में आता है स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है, तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना या स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र मैंने आपको क्या बताया, CaOCl2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर में मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में ऐसा एक हॉपर बना होगा, हॉपर के थ्रू आप यहाँ पर स्लेक्ड लाइम को या
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करेंगे या इसमें हॉपर में ऊपरी सिरे से इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। अब नीचे जो सबसे नीचे वाले जो सिलेंडर होगी ना, वहाँ से क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा। सबसे नीचे वाली जो सिलेंडर होगी, जो क्षैतिज सिलेंडर होगी, उससे क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो पूरा जो आपका स्लेक्ड लाइम है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्लोरीन से संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन से संतृप्त हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, अल्टीमेटली आखिरी में आपको ब्लीचिंग पाउडर, एक जो बीकर होगा नीचे में रखा हुआ, उसमें ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होगी, ठीक है। धीरे धीरे जो आपका स्लेक्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हुए वो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, या इसका रासायनिक जो रिएक्शन है वो क्या होता है, देखते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया क्या है, स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसमें क्या ऐड करें आप, क्लोरीन गैस का ऐड करें, तो ये क्लोरीन गैस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये जो CaO से जाकर के मिल जाएगी और क्या बनाएगी, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, और पानी एज बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो इस तरीके से विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मैंने बताया था बहुत सारे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लगे होते हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हैं, ठीक है। अब इन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में आपने देखा ऊपर में एक हॉपर बना हुआ है, ये दिख रहा है हॉपर वी शेप का। इस हॉपर से हमने क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम को ऐड किया। ऐड करने के बाद नीचे में देखिए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर से यहाँ से हमने क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, और हर एक जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है एक रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक रोटेटिंग शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और साथ में इसमें यहाँ क्या लगी हुई है, ब्लेड्स लगी हुई है। इस तरीके से स्लेक्ड लाइम ऐड होते जा रहा है, क्लोरीन गैस इसमें ऐड होते जा रही है, और धीरे धीरे जो पाउडर्ड ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ पर आकर इकट्ठा होता जा रहा है, और जो वेस्ट गैस है वो यहाँ से बाहर होते जा रही है। आई होप आपको हेसन क्लेवर संयंत्र जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, हमें ये देख लिया कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, ये भी देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्लोरीन की स्मेल इसमें होती है, ठीक है। ये तो जो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उपयोग। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। याद रखिएगा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है भाई, मैंने आपको बताया CaOCl2। याद रखिए, CaOCl2 का यूज़ होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में और पानी के कीटाणु को पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए। जैसे आप जानते हैं कई बार टैप वाटर होता है, जो नल का पानी आता है, हम कहते हैं कई बार कड़वा है, इसमें क्लोरीन ज़्यादा है, तो उसी तरीके से आप पानी में अगर कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए भी आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल या विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसका उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होता है, तो इसमें आप कॉटन या कपास या लिनेन जो होता है ना, उसकी ब्लीचिंग करने के लिए, उसको कलरलेस करने के लिए, उसका विरंजन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, पहला हमने देखा ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, पानी में अगर कीटाणु, तो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए, कपड़ा उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपास या कॉटन या लिनन को ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कागज़ इंडस्ट्री में भी होता है। अब कागज इंडस्ट्री में क्या होगा, अब वुड पल्प जो होता है, जिसको लकड़ी की लुगदी कहते हैं हम, उसकी ब्लीचिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए या लकड़ी की लुगदी की ब्लीचिंग के लिए पेपर इंडस्ट्री या कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक उद्योगों में। रासायनिक उद्योगों में किस तरीके से यूज होगा, तो रासायनिक उद्योगों में
ये एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीकरण अभिकर्मक मतलब ऑक्सीडेशन रिएजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया अगर आपको करवाना है तो केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो कीप स्टडिंग गाइस, ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और कोशिश यही है कि जिस इजी वे में मैंने अपने नोट्स बनाए हैं ताकि मुझे समझ में आए, आपको भी ये नोट्स समझ में आएंगे। थैंक यू।